अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून और इस आदमी का चेहरा हम आपको कल सुबह दिखाएंगे। अभी आपको बैग दिखा रहे हैं, पीछे फेस मत दिखाओ हाँ भैया, और कल सुबह मिलवाएंगे। बाकी अभी हम इस होटल में हैं, नेगी पैलेस में। यहाँ पे शायद शादी का सीन भी कुछ चल रहा है, और चलते हैं अंदर की ओर। का सेटअप भी लगा हुआ है और सपना मेरे साथ है। सपना ब्योह करी था जाने ना बोला पहुंच जाता है सारे क्या नाम जाता है यारी वहीं जी काली हम जाकर नाम कमरा नंबर का ध्यान रे। तो पहुंच गए हम होटल में और बाकी एक रूम हमें ये वाला मिला है सामने वाला और एक ये वाला। और यहाँ पे ना सुंदर फिश व्हाइट कलर की बहुत सुंदर लग रही है। यो कुवर दिया सिंगल सकल पे हमारी 12 बज चुकी है उल्टी करके। रूम मिल गया है और बहुत ही मतलब साफ है, बहुत अच्छा है। टीवी दियो का तो टीवी बिछे यहाँ पे अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। 12 बज रही, 4 बज रही। खाना खाने के लिए क्योंकि सुबह से हमको भूख भी लग गई है और अब आ गया है मेनू हमारे हाथ में। अब देखते हैं क्या क्या खाते हैं हम क्या क्या खाते हैं, मन कुछ नहीं कर अब खाते क्या क्या। अंदर पहुँच गए हैं हम होटल में, यही होटल का रेस्टोरेंट। खाना आ चुका है यहाँ पे और सपना भी खाना शुरू कर दिया है। सपना ने सपना खाना मोनो अच्छा हो रहा है। जय माता दी, मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप देख रहे हैं खूबसूरत सा शहर देहरादून शहर। और अब मिलाते हैं आपको सुबह मिलाते हैं। आप पहचानते होंगे हमारे सचिन भाई कॉमेडी के बादशाह जैसे कपिल शर्मा है देश में, उत्तराखंड में हमारे सचिन भैया। तो आपने इनकी बहुत सारी कॉमेडी फिल्म देखी होंगी और नहीं देखी है तो जाके देखे उत्तराखंड वाला यूके तेरा, उत्तराखंडी कलाकार यूके तेरा। हाँ, उत्तराखंडी कलाकार यूके तेरा। तो आज हम आए हैं किसी खास काम के लिए देहरादून में, तो आगे बने रहे हमारे साथ। और ये हमारी है छोटी बुली सपना। तो चलते हैं, अभी आ चुके हैं हम रोड पे और अब चलते हैं थोड़ा नाश्ता पानी की ढूंढ में और उसके बाद जाते हैं अपने जिस काम के लिए आज। काली चाय तुम ते बथोड़ू छो, आफत गला पड़ी चा वे ते निबाड़ू छो। तो मस्त गाना है ये। हाँ ये बनेगा मेरा लिखा हुआ। अच्छा, वारी मेरी चबोड़िया छकी मेकअप करो, वारी मेरी चबोड़िया छकी खर्चा करो दी जादी बाजार। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको लिरिक्स लिख के रखते हैं नीचे, तब जाके आप अभी रिहर्सल करो। इसमें भैया ने रखे हैं समोसे और मुझे लग रहा है ये समोसे कल के हैं, कल से खाए नहीं। और ये हमारा किराना का फोटो, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सब काम बनते हैं, माता रानी के आशीर्वाद से। जय महामाई।
बिल्कुल बंद होने वाला है। अरे नोनी कोई बुलाओ रे बरात उड़वाचे अब मैं पूजा भी करूँ। हो चुके हैं और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्रूट क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब भी रहती है। यहाँ पे आके दोनों बैठे हैं यहाँ पे। तुम क्या खा रहे थे? कितनी मार खा के आए होंगे। सब ऐसा कर लिया इतना नहीं थोड़ा बहुत वही थी नहीं सजीन भी खबर पेपर क्या पीते तो मस्त चीन और सामने यहाँ पे बन रहा है गन्ने का जूस वो दे जूस आ चुका है। दो दो ब्लॉगर साथ हैं तो ऐसे ही होगा। हम पहुंच गए हैं घर पे और बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई पूरी। और बाकी हम पहुंच गए हैं घर पे और अभी हमने ना घर में सुंदर दाल भात बनाया वो खाया और थोड़ा अभी तबीयत ठीक हो गई है। और अभी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें। जय माँ काली। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय माँ काली। मैं कोई नहीं करूँ भाई सोने की तैयारी कर रहा हूँ। घर पे आके खुश हो रहा हूँ। हाथ में क्या कर रहे हैं? ये तो लाइफ लाइन हमारी। दोस्तों जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर जयसिंह स्कूल और सचिन भैया को स्कूल और वहाँ के जो सर हैं चेयरमैन सर लखपत राणा जी जो रंगकर्मी हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध रंगकर्मी भी हैं। और अभी मन करो तो आप देखते ही होंगे उनका तो भैया की भी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की तो आज हम उनके स्कूल में जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और कैसा लगा आपको? एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो क्योंकि एक रंग कर्मी से मिलना और इतने बड़े डायरेक्टर से तो एक्साइटेड भी हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और क्या पता साथ में कुछ करने को मिलेगा उनके साथ कुछ काम तो आज एक्साइटेड है। और आज कालीमठ से गुप्त काशी की सैर दीदी लोग के साथ चलते हैं स्कूल की ओर। आप लोगों को भी मिलाते हैं उनसे और किसी खास काम के लिए भी जा रहे हैं हम। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है मतलब जो दर्शक हैं तो मिलते हैं। अभी यहाँ पे काम भी लग रहा है हमारे भैया। लाइट तो नहीं है इधर करंट तो ना कालीमठ में आपको दिखाते हैं। रास्ते में ना अब बरसात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ना टीन वगैरह लग रही है पूरे रास्ते में और आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले जो ये घंटियाँ लगी थी अब और अच्छी व्यवस्था हो रही है माता रानी की कृपा से। भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। बारिश लगती थी तो बहुत फिसलन होती थी रास्ते में। प्रकार से काम हो रहा है यहाँ पे और सारे रास्ते टीन लगनी शुरू हो रही हैं। अभी काम चल ही रहा है तो बाद में दिखाएंगे आपको। पहुँच गए हैं हम गुप्त काशी में और अब यहाँ से चलते हैं पैदल और नीचे स्कूल यहाँ से आप खुद दिख ही रही होगी तो चलते हैं स्कूल की ओर। आप ही फियाली भी खुलने खिल गई है। अब फूल देवी का त्योहार भी आने ही वाला है और दीदी तो आज यहाँ है नहीं है क्योंकि शादी में जा रखे तो आज हम सीधे जाएंगे नीचे ऑफिस में। स्कूल के ठीक सामने है काफल का पेड़ और ये नीचे है रुद्राक्ष का पेड़। कौन सा? ये वाला ये लगा रखा है वो कहाँ टिके है ना लगता है कैसे लगा है तो उन विधि विधान से स्वागत है।
पंडित लाना तैयार तीन छोरी होती ये क्या खुद ही खुद ही वही नोटियाल अच्छा नोटियाल बच्चों की कलाकार पहले हम अपने स्कूल में ऐसे मिट्टी के चीजें बना के ले जाते थे उनके देख के याद आ गया स्कूल का कूड़ा वगैरह उठा के बोतलों में भर रखे हैं और वो सो भी दे रहे हैं और कूड़ा भी इकट्ठा हो गया क्या इसको बोलते हैं क्या मिट्टी की चीजें और इनको देख कर मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि जब चूल्हा है क्या मिट्टी का चूल्हा और हम भी ऐसे कप प्लेट वगैरह चूल्हा वगैरह बना के ले जाते थे स्कूल में तब हमारा ऐसा प्रैक्टिकल होता है ये मिट्टी की चीजें जैसे ये देखो कितना सुंदर एलिफेंट बना रखा सचिन भैया कैसा लग रहा है आपको बस निरीक्षण हो रहा है यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी लगा हुआ है बच्चों के लिए फिल्टर का पानी साफ और अब चलते हैं ऊपर की ओर ये है दूसरी मंजिल और यहाँ की क्लासेस देखते हैं देखिए और सामने से उखी मठ का मार्केट दिखता है और इसके ठीक सामने दिखता है गुप्तकाशी और आगे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी हैं बहुत सारे अच्छा व्यू है यहाँ से अब हम आ रहे हैं तीसरी वाली मंजिल में और यहाँ भी आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे लुप्त हो चुके हैं पहले लोग यूज करते थे और ये सामने ना स्टेज वगैरह जहाँ पे प्रोग्राम मीटिंग वगैरह और जब भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उसके लिए स्पेशली है और यहाँ से दिखाते हैं आपको फिर सामने देखो बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में और आजकल नई चीज़ क्या है कि यहाँ बच्चे सब ना टीचर्स को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट जैसे बोलते थे पहले गुड मॉर्निंग वगैरह तो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं गुरुजी राम राम ये चीज़ मुझे आज नहीं पता चले और मैंने बोल रही कि ये क्या बोल रहे हैं बच्चे तो आजकल सब राम राम गुरुजी बोल रहे हैं यहाँ पर कभी देखो कितना खूबसूरत है हमारी पूरी केदार घाटी ये क्या चीन है अच्छा प्रैक्टिकल वो मैथ्स का सामान है गणित के लिए बोलो गणित के लिए प्रैक्टिकल हमने तो कभी नहीं देखा वो है वो गणित प्रैक्टिकल ये वाला ये गणित के प्रैक्टिकल का सामान है हाँ ये तो गणित का प्रैक्टिकल का सामान है यहाँ पे और ये चीज हमारी लाइफ में नहीं हुई ये सब ऐसी पढ़ाई हमने की होती ये देखो सामने उनके सूत्र भी हैं यहाँ पे सारे बोर्ड वगैरह और सब प्रैक्टिकल वगैरह हैं ये फिजिक्स का है और ये बच्चों की देखो कलाकार हैं अभी यहाँ ये देखो खिलौने वगैरह बना रखे हैं खिलौने ट्रक बनाए प्रैक्टिकल कर रखे हैं कुछ चीजें ये सब हम जमाना में ना शिक्षा बनते हम ककरो ना है देर से होता देर से जन्म लेते हैं जन्म लेते देर से तो है सुविधा पहाड़ों में नहीं थी तब ये सुविधा नहीं थी लेकिन तो कैसे रहते भाई साहब यहां तक नहीं पहुंच पाए हां नहीं तब नहीं थी ना और सर ने पलायन को भी रोक दिया है यहां पे
क्योंकि ऐसी चीजें और ये सब सुविधाएं यहाँ पे कर दी है, तो जो लोग बाहर जाते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अब गुप्तकाशी में, गुप्तकाशी के लोकल लोग तो अपने यहीं रह रहे ना, क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं, उनके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छी सुविधा मिल रही है, जो देहरादून दिल्ली तक मिलती है वो अपने गुप्तकाशी अपने यहाँ मिल रही है, तो बाहर क्यों जाएंगे लोग। कुछ प्लान आपने बहुत ज्यादा रोक दिया है। दवाइया बनाना सी अपनी, यही है भाई, ग्यारहवे बारहवे जिसने ऐसे ठीक ठाक कर दी ना, समझ लो उड़ गई, जिसको नहीं मिली ये व्यवस्था वो बैठ गया, क्योंकि शिक्षा इतनी ज्यादा वो है कि खत्म नहीं है। सर 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 वाला रूम तो आपने मेरे अगली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें देखे होगी, रावण रावण ही रम वो खेदर बहादुर है ऐसा बना बोलो ये पल्ले वीडियो में दिखाई छे मेरे, ये देखो बड़ा गाना है गाओ सुनाओ ये गाओ लो महाराज ने बोला है कल बैठा गए कल सभी लोग भोज में पधार जाएं। ये है पार्टी ये हमारे रूल चुनी ये बड़े छे ये बड़ी पार्टी छे और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप जब लाइट नहीं होती थी गाँव में तो ऐसे लैंप वगैरह होते थे जो मिट्टी तेल से जलते थे और एक चिमनी भी होती है वो शायद नहीं है जहाँ पे चिमनी जिसको बोलते थे ये देखो लैंप क्या छो क्या बोल रही है ऐसे पहनते हैं और सचिन ने उठा दिया गन ये देखो सचिन ते रोल पा गम जम होनी सोते पिठाई भी लगाई तीन भी आए हो घर वाल देखो देखो दूसरी तरफ लोग बाप रे तीन गाड़े ते पिछले वो ये नहीं गाड़े ये नहीं सुन ये नहीं ना फोटो खींचे चापले पहले का फोटो करना चाबक जो जो राजा महाराजा यूज कर था जंद्र असली बनवा दो असली भी ले आयो जी बैग ये देखो जिस पे पहले चक्की ये पे डंडा होता है और उससे ऐसे ऐसे घुमाते हैं जंद्रा बोलता है इसको तो इसी पे लोग अपना आटा वगैरह पीसते थे ये क्या गड़ पहले जमाने के फोन जो हमारे गांव में किसी किसी के घर में होते थे तो तब इसमें फोन आते थे और इंतजार में बैठे रहते थे कब आएगा फोन इसके आगे ये कौन सा रोल कर रहा है ये पंचायत दादा की भाई को जगह लगा रहे हैं